गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर एंड इट्स पेमेंट सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो प्रिपेयर जो आपने किया है वो आपको बताएगा कि कितना अमाउंट उसको पेबल है और उसके बाद कैसे आपने अरेंजमेंट करनी है उसके पेमेंट की वो दो तरीके से आप कर सकते हैं या तो आप कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट उसको कर दे या उसके लोन अकाउंट में उतना अमाउंट आप ट्रांसफर कर देंगे तो अगर कैश या थ्रू बैंक आप पे कर रहे हैं तो जो एंट्री होगी दैट इज रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट और अगर रिक्वायर्ड कैश अवेलेबल नहीं है पे करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर को तो आप उसका अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में तो उसके लिए जो एंट्री होगी दैट इज रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और जो ये पेमेंट है लोन की वो आप करेंगे एज पर दी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो सेटल हुआ है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6 पर एनम जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा टिल जब तक आप उसका लोन जो है वो पेड ऑफ नहीं कर देते हैं इसका एक इलोस्ट्रेशन हम देख लेते हैं इलोस्ट्रेशन नंबर नाइन A, B, and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3 is to 2 is to 1. B retires on 1st August 2008, on which date the capitals of A, B, and C, after all necessary adjustments, stood at 4,50,000, 3,20,000, and 1,55,000, respectively. A and C continued to carry on the business for 8 months without settling the accounts of B. During the period of 8 months, evenly on 31st March 2009, a profit of 65,500 is earned by the use of the firm's property. स्टेट विच ऑफ टू ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, शुड बी एक्सरसाइज तो दो ऑप्शंस यहाँ पर जो बनते हैं दैट इज एक तो जो बी है वो अपनी कैपिटल पर एट मंथ्स के लिए जो इंटरेस्ट है वो ले ले या दूसरा जो प्रॉफिट उसकी इन्वेस्टमेंट पर हो रहा है वो ले ले तो दोनों में से कौन सा उसके लिए बेनिफिशियल होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो कैपिटल है बी का वो कितना है थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड पे एट मंथ्स के लिए सिक्स परसेंट के हिसाब से उसे अगर इंटरेस्ट हम देते हैं तो वो कितना बनता है थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू एट बाय ट्वेल्व इंटू सिक्स अपॉन हंड्रेड तो वो बनता है ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड अगर हम कैलकुलेट करें बी का शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स में तो वो कितना होगा जो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स एट मंथ्स में हुए हैं फॉर्म को वो हैं फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितनी ए बी सी तीनों की कैपिटल जो टोटल होती है नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कैपिटल पे जो आपको रिटर्न मिला एट मंथ्स में वो मिला सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अब सिंपल सा हम इसमें लगाएंगे यूनिट मेथड कि अगर थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड की आ जाता है आपका ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी नाइन तो एक ऑप्शन है बी के पास कि वो ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता है ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड दूसरा ऑप्शन है उसके पास है तो ऑप्शन बी को एक्सरसाइज करना चाहिए नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इसका हम एक रिफ्लेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं ऑन थर्टी जून 2003, थाउजेंड द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हू वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, इन दी प्रोपोर्शन टू देअर कैपिटल टूड फॉलोस अब इसमें एक चीज देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ए बी सी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, उनकी कैपिटल्स की प्रोपोर्शन में तो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी हुई फोर सनड्राई क्रेडिटर्स गिवन है कैपिटल्स गिवन है ए बी सी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है देन कैश एट बैंक कस्टमर्स लेस प्रोविजन स्टॉक मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग ऑन दिस डेट बी डिसाइडेड टू रिटायर एंड फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट Goodwill of the f entire firm was fixed at 25,200 and B's share of it be adjusted into the accounts of A and C who will share future profits in the ratio of 4 is to 3. Land and building be appreciated by 10%. Machinery will be reduced by 20%. The provision for bad end debts is no longer necessary.

हमें दिख रही है लैंड एंड बिल्डिंग भी बाय तो 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 in हमारा और इंक्रीज इन एसेट हमारा जाता है रिवेल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दे नेक्स्ट जो आइटम है हमारी दैट इज मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट से मशीनरी आपकी कम हुई है वैल्यू उसकी तो मशीनरी है थर्टी फाइव थाउजेंड तो थर्टी फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी तो वो आता है सेवन थाउजेंड और मशीनरी एसेट एसेट है asset की वैल्यू कम हुई है तो वो जाएगा रिवेलुएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर देन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज नो लॉन्गर नेसेसरी तो ट्वेल्व हंड्रेड का प्रोविजन है आपका तो आपकी जो लाइबिलिटी हुई है वो कम हुई है तो लाइबिलिटी अगर आपकी कम हुई है तो वो जाती है आपकी क्रेडिट साइड पर तो रिवेलुएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप और अमाउंट आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड उसके बाद आप दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा रिवेलुएशन अकाउंट में और जो आपका लॉस आएगा रिवेलुएशन अकाउंट का वो आएगा एटीन हंड्रेड रुपीज और उसे आप डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है फोर इज टू थ्री इज टू टू तो 800 हंड्रेड ए की कैपिटल में बी की कैपिटल में 600 और सी की कैपिटल में 400 उसके बाद हम देखते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने का जो लॉस आया उसे ट्रांसफर कर दिया टू रिवेलुएशन अकाउंट 800 हंड्रेड सिक्स एंड फोर उसके बाद जो हमें बैलेंस शीट गिवन है उसमें जो उनका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा हमें यहाँ से मिल जाएगा बैलेंस शीट से फोर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड तो यहां पे हमने बैलेंस बी डी लिख दिया फोर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड नेक्स्ट जो हमें गिवन है पी एंड एल अकाउंट में हमें ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड गिवन है तो इसे हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो पी एंड एल अकाउंट का आपने ट्रांसफर किया बाय पी एंड एल अकाउंट फिफ्टी सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट हंड्रेड देन उसके बाद नेक्स्ट जो है गुडविल गुडविल तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड जो है वो पूरी फॉर्म की गुडविल तो है, है उसमें बी का शेयर कितना है थ्री बाय नाइन तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड का थ्री बाय नाइन आप निकालेंगे तो वो बी का शेयर आजाई का गुडविल में जो आता है एट्टी फोर हंड्रेड और ये जो 8400 फोर हंड्रेड है वो गेनिंग पार्टनर पे करेगा बी को तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशो हमारे पास न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में और ओल्ड रेशो गिवन है जो ओल्ड रेशो है वो है हमारी फोर इज थ्री इंसू टू और जो न्यू रेशो है वो है हमारी फोर थ्री तो हम पहले निकालेंगे गेनिंग रेशो

ए जितनी गुडविल देगा वो है थर्टी टू हंड्रेड और जो सी गुडविल देगा वो है फिफ्टी टू हंड्रेड जो उसके लिए कंपनसेट वो करेगा तो और यही चीज जो ए और सी है उनके अकाउंट से हमें डिडक्ट करनी है तो टू बीस कैपिटल अकाउंट थर्टी टू हंड्रेड ए के अकाउंट में हमने लिखा और फिफ्टी टू हंड्रेड सी के अकाउंट में लिखा देन इसके अलावा और कोई आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जानी है फिलहाल जो कैपिटल पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्ट होगी बी के के जाने बाद वो हम लास्ट में करेंगे तो सबसे पहले जो अभी तक हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है उसको हम बैलेंस कर लेते हैं दोनों साइड्स को दोनों साइड्स को हमने बैलेंस किया तो हमारे पास ए का जो है क्लोजिंग बैलेंस आ गया सी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया और बी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया अब जो बी है वो रिटायर हो रहा है आपका और ज, जो भी अमाउंट है बी का वो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा तो टू बीज लोन अकाउंट फोर्टी टू थाउजेंड ध्यान से बी रिटायर हो रहा है तो जो बी का बैलेंस दोनों साइड्स को जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो जो बी का अमाउंट है उसे हमने लिखा है टू बीज लोन अकाउंट में जबकि ए और सी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उ, उसके लिए हमने लिखा है टू बैलेंस सी टी देन अब इस चीज को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे तो बाय बैलेंस बॉट डाउन जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए उनकी कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए तो ए का जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज फोर्टीडी थाउजेंड टू हंड्रेड जैसे हम एडमिशन के टाइम पे जब एडजस्टमेंट करते थे कैपिटल की सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर किसी की एक्सेस है कैपिटल तो वो लेके जाएगा और अगर किसी की डेफिशिएट है तो वो लेके आएगा अब फॉर्म की जो आपने कैपिटल डिसाइड की है बी के जाने के बाद वो डिसाइड की है तो आपको ए और सी की कैपिटल मिल जाएगी जो बी के जाने के बाद होनी चाहिए तो ए की जो कैपिटल बनती है जो होनी चाहिए दैट इज फोर्टी थाउजेंड और सी की जो कैपिटल होनी चाहिए वो है थर्टी थाउजेंड तो उसके बाद दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे ए की जो ऑलरेडी कैपिटल एग्जिस्ट कर रही है वो है फोर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लेकिन जो होनी चाहिए वो है फोर्टी थाउजेंड तो सिक्सटीन हंड्रेड उसको दे दिया जाएगा तो टू बैंक अकाउंट सिक्सटीन हंड्रेड देन सेम तरीके से अगर हम सी का देखें तो सी की जो कैपिटल होनी चाहिए वो है थर्टी थाउजेंड लेकिन जो एग्जिस्ट कर रही है वो है सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड तो जो सी है वो लेके आएगा कैपिटल तो बाय बैंक अकाउंट ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट Complete हुआ बैलेंस exactly शीट में change हुआ है वो change करके फिर हमें पर में शो करना है और जहाँ चेंज नहीं हुआ है उसे एज इट इज हम शो कर देंगे क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था तो उसे हमने शो कर दिया बी का लोन अकाउंट अभी रेज हुआ है फोर्टी टू थाउजेंड का तो बीस लोन अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे हम शो कर रहे हैं फोर्टी टू थाउजेंड का A और सी की कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू टर्म्स फोर्टी थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड कैश एट बैंक जो है वो हमें निकालना पड़ेगा आप यहाँ पे देखिए जो कैश एट बैंक आपका एग्जिस्ट कर रहा है वो है 1, रुपीज का अब कितना कैश आया है और कितना गया है उसे हम देख लेते हैं यहाँ देखिए आपने जो कैश सी लेके आया है वो है ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड का और जो कैश पे किया है आपने वो है सिक्सटीन हंड्रेड का तो ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस सिक्सटीन हंड्रेड प्लस जो थाउजेंड आपका ऑलरेडी बैलेंस बचा है तो कैश एट बैंक आ गया आपका ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड का देन कस्टमर्स प्रोविजन आपने नहीं बनाना है अब तो कस्टमर एज एट एस शो हो गए आपके प्रोविजन हम यहाँ शो नहीं करेंगे देन स्टॉक मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच